बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ अनैमल अटलांटिस का फार्मूला। इसका फार्मूला ये है कि आपने फर्सिंग एजेंट लेना है 196 200 ग्राम, बेंटोन लेना है 200 ग्राम और रेजन 556 यानी 556 लेना है 10 किलो और तारपीन लेनी है आपने 20 किलो, टिटेनियम लेना है 8 किलो, बिल्लू BGS 4.5 किलो और लेमन क्रोम अल्ताफ खान वाला 55 55, लेमन क्रोम का नंबर होता है 55 55। ये आपने 6 किलो 600 ग्राम ले लेना है। आपको मैं ये एक बात कह दूँ कि जब भी आपने नेमल की पेस्ट बनानी है तो आपने सबसे पहले ट्रैक्टर में रेजन डालना है, ठीक है, रेजन डालना है। रेजन के ऊपर आपने सारी चीज़ें डालनी है क्योंकि जब आप रेजन से पहले कोई ना कोई चीज़ पिगमेंट्स वगैरह डालेंगे तो वो आप की मिक्सिंग में नहीं आएगा, वो दीवारों के साथ लग जाएगा नीचे, ना गोलियों के नीचे लग जाएगा, तो वो नुकसान भी है और वो ये भी है कि वो जब हम पेस्ट को पतला करेंगे तो जो किनारे के साथ पिगमेंट्स लगी होंगी क्योंकि वो पेस्ट उसकी नहीं बनी होगी, उसकी रगड़ाई नहीं होगी, तो हमारा जो है ना वो पेस्ट में दाना आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब रेजन नीचे होगा तो रेजन की कोई परवाह नहीं होती क्योंकि रेजन जो है वो अगर उस टैंक की तह तक चला भी गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसने जाने जाना है, ठीक है ना। और अगर आप पहले पिगमेंट डाल देते हैं तो पहले पिगमेंट डालने से नुकसान एक और ये है कि नीचे क्योंकि वाल लगा होता है और उस टैंक के में जाली बनी होती है, तो जब आप पिगमेंट डालेंगे तो क्या होगा कि वो पिगमेंट जब आप मशीन को चलाएंगे तो मशीन को चलाने से पिगमेंट जो है वो नीचे वाल में चली जाएगी, है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो मकदार है पिगमेंट्स की वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी और वाल जब हम खोलेंगे जब पेस्ट हमारी मुकम्मल हो जाएगी, रगड़ाई मुकम्मल हो जाएगी, जब हम उसको खोलेंगे वाल को तो जब पतला करके उसको करेंगे तो नीचे क्योंकि वाल के अंदर तो वो आई हुई है पिगमेंट, है, जो कि रगड़ाई जिसकी हुई नहीं है, पसवाई हुई नहीं है, तो जब वो पेस्ट के साथ पानी के उसके साथ तारपिन के साथ नीचे चले जाएगी तो फिर उसको तो हम दाना हम ख़त्म कर ही नहीं सकते। तो इसलिए बात यह है कि आपने हमेशा सबसे पहले रेजन डालना है, रेजन के बाद आपने डिस्पर्सिंग एजेंट डालने, बेंटोन डालने और जितनी भी पिगमेंट्स हैं वो सारी जो है ना वो आपने उसके ऊपर डालनी है कि ताकि जब मिक्सिंग हो तो पिगमेंट्स जो हैं वो नीचे तय के नीचे जाते जाते वो रेजन में मिक्स हो जाए, ठीक है। जब वो रेजन में मिक्स हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि काम हमारा सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये एक असूल है छोटा सा और पहले भी बता चुका हूँ, ये बार बार इसलिए बताता हूँ कि आपको किसी किस्म की जो है वो कमी ना रहे, आपको ये पूछने की जरूरत ना हो कि जी हम पूछें कमेंट्स करके या हम पूछें टेलीफोन करके कि ये आपने बात की थी ये कैसे करनी थी, हम भूल गए हैं, ये हमें समझ नहीं है। इसलिए मैं हर चीज को बार बार इसलिए कहता हूं कि ताकि एक बार ही आप जब ये वीडियो देखें मेरी बात को सुने और आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे मैं आपके पास खड़ा हूं और मैं ही आपसे काम करवा रहा हूं, ठीक है।
ये बात है। तो इसलिए सबसे पहले आपने रेजन डालना होता है, उसके बाद आपने पिगमेंट्स डालनी होती है, लेकिन स्लो मोशन, ऐसा 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 आपने डालते जाना है, मशीन चलाते जाना है। जहाँ पे मशीन थोड़ी सी अड़फस करे, फंसने की जरूरत महसूस करे, तो फिर थोड़ी सी तार पिन का छट्टा लगा देना है, ताकि थोड़ा सा, सिर्फ छट्टा लगाना है। ये डूंगा भर के या जग भर के नहीं डालना, ठीक है, छट्टा लगाना है, ताकि वो उसकी थोड़ी सी रनिंग हो जाए, और ज्यादा पतला माल नहीं करना। आटे की तरह हार्ड होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा हार्ड करोगे तो मशीन फंस जाएगी, फिर आपको बड़ी बड़ी जो है ना खुरपी वगैरह या बार बारी होती है वो सरिये की होती है, आगे छैनी की तरह उसका मुंह बना होता है, फिर उस तरह की बारी जो है ना वो लेनी पड़ेगी। जब आप बारी के साथ करेंगे तो वो आपका जो टैंक है, खुदा ना खास्ता वो टैंक जख्मी हो सकता है, ठीक है। तो टैंक को जख्मी नहीं करना, तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि हमारा जो है ना हम बड़े तरीके से स्लो मोशन काम करते जाएं, और किसी किस्म के जो है ना हमारी अड़फस ना हो। तो ये था तरीकाकार लोड करने का। ये डबल जैकेट होती है, अंदर वाला जो होता है टैंक उसमें हमारी पेस्ट बनती है, और बाहर भी एक उसकी जैकेट होती है। अंदर वाले टैंक और बाहर वाले जैकेट में 2-3 इंच का फासला होता है, और ये बंद होता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें पानी चलना होता है। नीचे से हम पानी इन करते हैं, ऊपर से पानी आउट करते हैं, पानी लाजमी चलाते हैं, ठीक है। पानी की रनिंग रहनी चाहिए, ये ना हो कि पानी एक बार हमने क्या किया कि जी पानी भर दिया है, महसूस हो गया कि जी भर गया है, यानी ऊपर वाला जो पाइप था वहां से ड्रेन हो गया, तो चलो भर गया तो कोई बात नहीं, ये चलते रहना चाहिए पानी सर्कुलेशन। ये पानी की बचत करने के लिए आप छोटा सा टैंक भी बना सकते हैं, उसमें आप छोटा सा पंप लगा सकते हैं, कि वो पंप जो है वो ही पानी लेकर दोबारा जाए, वही ठंडा होके फिर टब में आ जाए, तो ये ज्यादा ज्यादा पानी जो है ना इस्तेमाल नहीं होगा वो आप पंप के साथ, क्यों कि अल्टरेशन वगैरह बंदा जब काम करता है तो बहुत ज्यादा अकलें आ जाती हैं, और काम खुद रास्ता बताता है कि जी मुझे इस तरह करो, तो फिर आप जब वैसा करेंगे तो आपके लिए सारे कामों में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए ये डबल जैकेट होती है, इसमें पानी लाजमी जो है वो डालते हैं, ताकि पानी का सर्कुलेशन रहे, ताकि हमारी जो अंदर जो पेस्ट तैयार हो रही है वो पेस्ट हीट अप ना हो। जब वो हीट अप हो जाएगी तो मिनी रबड़, यानी रबड़ की तरह वो हमारी पेस्ट तैयार हो जाएगी। बज़ाहिर हमें महसूस होगा कि हमारी पेस्ट तैयार हो गई है, लेकिन वो पेस्ट नहीं होगी, वो रबड़ होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना एक बात है। फिर जब आपरी की रगड़ाई मुकम्मल हो जाए, ये जो अटलांटिस है, क्योंकि इसमें टाइटेनियम की मकदार थोड़ी है और पिगमेंट्स की तादाद जो है मकदार वो ज़्यादा है, इसलिए ये तकरीबन 2.5 से 2.5 घंटे जो ना ये लाजमी मशीन आपकी चलेगी, ठीक है। दे जब मशीन लोड हो जाए तारपीन के साथ, टाकी के साथ, कपड़े के साथ, जब आपने अंदर वाले टैंक की सारी दीवारें भी साफ कर देनी है, और जो राड है उसको भी साफ कर देना है, तो इसका मतलब है मशीन आपकी लोड हो गई है। फिर 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद आपने फिर 6 किलो जो है, 6 किलो 600 ग्राम इसमें जो है ना, क्योंकि ये पिगमेंट है, ये खुशक पिगमेंट होती है, इसमें रेजन की जरूरत ज़्यादा होती है, तो इसलिए 6 किलो 600 ग्राम जो है ना, सॉरी 6 किलो 600 ग्राम नहीं, ये 10 किलो, हाँ ये 10 किलो रेजन जो है ना फिर आपने इसमें टैंक में डालना है। जब ये पतला हो जाए, पेस्ट और रेजन आपस में कुछ मिक्सिंग हो जाए, साथ साथ हल्का हल्का छट्टा जो है वो तारपीन का लगाते जाएं। जब ये तारपीन का छट्टा लगता जाएगा वो पेस्ट पतली होती जाएगी, जब बहुत ज़्यादा पतली हो जाए तो फिर उसको नीचे वाल खोल के उसको टैंक में डालें। टैंक में जब डालेंगे तो वो टैंक को आप सारा साफ सुफ कर करा के मशीन को अच्छी तरह साफ करना है, और गोलियां जो वाइट कलर की होती हैं ये जरकोनिया सरामिक्स की बनी होती हैं, तो ये बहुत हार्ड होती हैं, ये टूटती नहीं है, तो अच्छी अच्छी नस्ल की जी होती हैं, इसलिए तो ये आपस में रगड़ रगड़ के तो पेस्ट बनाती हैं। तो ये जो गोलियां ये साफ सुथरी वाइट कलर की नज़र आनी चाहिए, ये इनका साइज़ 0.5 इंची का होता है,
यानी 470 इनका साइज होता है। तो ये जब आप इसको धो धो लें, वाल वगैरह धो लें, तो फिर उसको आप वाल को दोबारा अपनी जगह पे फिर फिट करें। उसके अंदर सील होती है, सील को अच्छी तरीके से करें कि ताकि पेस्ट अगर आपको से कोई गलती हो गई है, कोई आपसे वो सील वगैरह सही नहीं लगी, आपने वो बंद कर दिया बाल, लेकिन अगला जब आपने बैच डालना है तो ये ना हो कि आपको महसूस ही ना हो और नीचे से माल जो है वो निकलता रहे और आपका नुकसान हो जाए। इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक चीज़ तो फिर क्या है कि जब वो टंकी है, जब उसमें पेस्ट आपकी निकल जाए, तो फिर आपने क्या करना है कि उसको वाल मिक्सचर के नीचे ले जाएं। वाल मिक्सचर के नीचे ले जाकर फिर आपने 94 किलो जो है वो आपने रेजन जो है ना उसमें डालना है। रेजन उसी तरह ही डालना है ऐसा ऐसा कि ताकि पैडल के साथ वो चिमटे नहीं, ऐसा ऐसा जब डालें तो जब उसकी मिक्सिंग उसकी रेजन की और जो ऊपर से ट्रैक्टर से पेस्ट निकली है, जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं, आपको महसूस हो कि अब रेजन अलग अलग नज़र नहीं आ रहा, एक जैसा नज़र आ रहा है, तो फिर उसमें आपने पेट्रोसन वार्निश, जिसका फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो आपने 18 किलो उसमें डालना है। नीचे लाइन लगी हुई है, नीचे लाइन का मतलब है कि ये डाल के आपने इसको चलाना है। जब चलाओ तो आपको पता चले कि रेजन ऊपर वाली पेस्ट और ये पेट्रोसन वार्निश ये मिक्स हो गई हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको इसमें आपने 272-12 यानी ड्रायर का जो फार्मूला ऑलरेडी मैंने आपको दिया हुआ है वो आपने 3 किलो 500 ग्राम डालना है, और 272-15 जो एंटी स्किन E22 और जो क्या कहते हैं एंटी स्किन को ही E22 कहते हैं, और डाइपेंटीन जो है इनका जो आपस का जो मरकब है उसका कोड जो है 272-15 है, ये 6 किलो 500 ग्राम आपने डालना है। फिर आपने तारपीन जो है वो 19 kg डालनी है, फिर सिलिकॉन 300 ग्राम डाल के तो आपने मिक्सिंग अच्छी तरह कर लेनी है, तसल्ली हो जाए कि यकजान सब कुछ हो गया है, फिर आप वाल मिक्सचर को बंद करें। उसी तरह जब आपने वो ट्रे जो आपने स्टेनलेस स्टील की बनवाई होगी उसी ट्रे को फिर आप टैंक के साथ लगाएं, बिल्कुल लगा के उसके ऊपर टैंक और वो जो है क्या कहते हैं टैंक और नीचे जो टैंकी है इनके दरमियान फासला कोनी होना चाहिए, साथ होना चाहिए, वो इसके ऊपर एक वो प्लेट लोहे की प्लेट की है कोई एक स्टैंड सा बनवाएं कि जिसके ऊपर आप डालें तो सारा माल जो है वो आपकी टैंकी यानी जो आपने मलमल का कपड़ा लगाया हुआ है उसके ऊपर वो गिरे, ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो, माल ज़ाया ना हो। तो वो मलमल के ऊपर गिरेगा, मलमल से पुन कर वो नीचे ट्रे में आ जाएगा, ट्रे से फिर आपने वो डब्बी, सबसे पहले डब्बी भरते हैं, फिर उसके बाद क्वार्टर भरते हैं, फिर उसके बाद गैलन भरते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि ये ना हो कि ऊपर से लेकर नीचे तक आपने फिल्ट्रेशन की, अच्छा माल बनाया, अच्छी मेहनत की, मुशक्कत की, लेकिन ये ना हो कि जब आपने फिलिंग करने लगे तो फिलिंग में क्या हुआ कि डब्बी में, क्वार्टर में या गैलन में किसी किस्म का कचरा मौजूद है, वो कचरे में ही आपने माल भर दिया, तो फिर कंपनी की बदनामी है, कंपनी के माल को लोग पसंद नहीं करेंगे, हर बंदा ये कहेगा कि इनके माल में कचरा है, दाना है, तो इसलिए इनकी पेस्ट सही नहीं बनी हुई। तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से डब्बी को, क्वार्टर को और गैलन को साफ करना है, आंखें बंद करके फूंक मारनी है, आंखें खोल के फूंक मारेंगे तो गर्दोगुबार उड़ के आपकी आंखों में पड़ेगा, आंखों को नुकसान होगा, इससे भी आपने बचना है। और साफ करके हाथ से अगर साफ करना है तो ये बहुत तेज तलवार की तरह ये प्लेट होती है जो डब्बे होते हैं, तो इसलिए कपड़ा वगैरह हाथ पर अच्छी तरीके से लपेट के तो फिर गैलन को साफ करें हाथ के साथ, ताकि नुकसान ना हो, ना जान का ना माल का। तो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना, बड़ी एहतियात के साथ काम करना है,
जब आपकी फिलिंग हो जाए, ढकने लगाएं, ढकने लगा कर सीलें लगाएं, तो आपका बैज बिल्कुल तैयार है। अगर आपको अपने इस बाइक की ये कवच अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके बड़े लाड़ के साथ, प्यार के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी थपकी होगी कि आप मुझकी मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि ताकि मैं आपकी खिदमत के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करूं, ताकि आपको और आपके बच्चों को भी इस काम का फ़ायदा पहुंचे। तो ये इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये काम जो मैं फॉर्मुलेशन आपको दे रहा हूं, ये मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसी फॉर्मुलेशन कहीं नहीं मिलेगी। अब आपको केमिस्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको ये पसंद आई है तो मेरी हौसला अफजाई करें और दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला मुझे मज़ीद तौफीक दे, मैं आप दोस्तों की खिदमत कर सकूं। तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आपका और मेरा अल्लाह हामियो नासर हो। आपके बच्चों को अल्लाह ताला आपके लिए सदका जारिया बनाए। इसी से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you.